भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला इकाई के लोगों आंदोलन में शहीद हुए किसान व मजदूरों को श्रद्धांजलि देकर किया याद। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जिले के अशोक ला तिराहे स्थिति चौराहे का है, जहां पर आज दिन बुधवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला इकाई बांदा के सदस्यों ने अशोक लाट पहुंचकर 12 जुलाई सन 1966 में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसके बाद कचहरी गेट के पास में सभा भी हुई और शहीदों को याद किया गया। सभा की अध्यक्षता सधारी व कामरेड देवीदयाल गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। सभा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। अपनी मांगों को लेकर आज ही के दिन 1966 में हजारों किसान और मजदूर इकट्ठे हुए थे। आंदोलन का नेतृत्व माननीय दुर्जन भाई व कॉमरेड राम सजीवन, राम कृपाल पांडे, देव कुमार, चंद्रभान आजाद आदि लोग कर रहे थे। घटना के समय मौजूद रहे लोगों ने बताया कि इस बर्बर गोलीकांड में शासन द्वारा घोषित 7 लोगों पर वास्तव में 50 से 60 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। तब से लेकर अब तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हर वर्ष मारे गए और शहीद हुए किसानों मजदूरों को श्रद्धांजलि देते हैं। श्रद्धांजलि सभा को डॉक्टर रामचंद्र अच्छे अली, श्याम सुंदर राजपूत, श्याम बाबू तिवारी, मदन भाई पटेल, देवनाथ यादव, रमेश चंद्र दुबे, मदन मोहन शर्मा आदि ने संबोधित किया था। बैठक में रामचंद्र जारी व वीरेंद्र सिंह, शरदा देवी, राजन भाई, देव प्रसाद यादव आदि लोग उपस्थित रहे। बांदा से प्रभंजन कुमार। इस तरह से आज आप लोगों का ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। साथियों, ये आज का कार्यक्रम आपको बता दूं कि 12 जुलाई 1966 में हमारे पार्टी के साथियों ने नारा दिया था, धन और धरती बच के रहेगी, दुखी जनता सुख न रहेगी, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना है। उस जुलूस में गोलीकांड हो गया था जिसमें हमारे 112 साथी मारे गए, 540 लोगों को जेल में डाला गया था और ये महीनों आंदोलन चला था। आज हम लोग उन शहीदों की याद में श्रद्धांजलि सभा मनाने आए हैं और उनको नमन करने आए हैं।